अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अनीसा नावल में आपका वेलकम है नावल नेम है इंतका इश्क बाय माहिन मलिक एपिसोड फोर अगर सब सही नहीं होता तो हम जारा को सच्चाई बता देंगे चाचो अगर माफ़ कर दी गई तो ठीक वरना वरना हम इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी कर देंगे फैसल जो अभी तोबा को कमरे में छोड़ के आया था आर्यन ने जुमले को फट से पूरा किया था उसकी बात पर वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी आर्यन को इससे ऐसी ही बात की उम्मीद थी अभी हमें सिर्फ जाना को कायल करना है और ये काम फैसल और तबा करेंगी बाकी आगे क्या करना है मैं वापस आके देखता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं मामा मुझे दो दिन के लिए लाहौर जाना है मगर अभी आए थे बेटा सिर्फ दो दिन की बात है मामा जल्दी आ जाऊँगा कब जाना है कल ही मामा वो खुश था वो इन सब को मतम करने में कामयाब रहा था मगर फैसल के देखने के अंदाज़ से समझ गया था कि वो मतम नहीं हुआ है वो घर का तीसरी बार चक्कर लगा के आ चुकी थी वो शदीद किस्म बोर हो रही थी घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी आर्या ने सख्ती से मना किया था मोबाइल भी पास नहीं था किसी का कॉल कर लेती आखिर वह थकती सोने की नीयत से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी जब डोर बेल की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी थी जहाँ तक मेरा ख्याल है वक़ास के पास डुप्लिकेट कीज मौजूद है वो खुद ही आता जाता है फिर कौन आ गया वो खुद से बड़बड़ाती डोर की तरफ आई थी जहाँ तीसरी बार बैल बज रही थी उफ क्या करूँ दरवाज़ा खोलूँ या नहीं अगर वकास के अलावा कोई हुआ तो उफ आर्यन काँ फंसा दिया तुमने मुझे वो जीच हुई उफ मुकाबिल शायद घंटी पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था उसका पारा हाई हुआ इससे कुछ भी सोचे बगैर दरवाज़ा खुला और वो वकास धड़ाम से उसके ऊपर आ गिरा था अगर वो बर वक्त उसे ना संभालती तो उसके साथ ही ज़मीन बोस हो जाती वकास क्या हुआ है तुम्हें इसे सोफे पे बिठाते मलाइका ने उसका गाल थपथपाया था नजर उसकी बाज़ों पर गई थी जहाँ गोली का निशान था तो मैं गोली लगी है वक़ास नंबर डायल करते वक़ास ने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया था मलाइका समझती सारी बात उन्हें समझा गई थी मोबाइल टेबल पर रखते वक़ास को बाज़ों से पकड़े वो कमरे में लाई थी वो नेक बेहोश था जिसकी वजह से मलाइका को बहुत मुश्किल उठानी पड़ी थी बकास मेरी बात सुनो आंखें खोलो सोना नहीं है डॉक्टर आता ही होगा सुन रहे हो ना मुझे वर्दी वाले आंखें खोलो यार मलाइका को इसकी तकलीफ में तकलीफ़ हो रही थी बकास ने ज़रा सी आंखें खोले उसे देखा था होठों पर मुस्कुराहट आई थी वो कुछ बोलती बकास फिर से आंखें बंद कर गया था यार सोना नहीं है प्लीज़ आंखें खोलो इससे पहले कि वो खुद वकास को ऑपरेशन कर डालती डोर बेल बजी थी मलाइका का दौड़ थी दरवाजे के पास गई थी डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था वो कमरे से बाहर ही रुक गई थी एक घंटे बाद वो बाहर आया था डॉक्टर वो कैसा है वकास ठीक है ना आप मुझे मेडिसिन बता दें जिससे उसका पेन कम हो और इसे सुकून मिले वो खुद नहीं जानती थी क्या बोल रही हैं डॉक्टर मुस्कुराया था वो बकास का बचपन का दोस्त था जिससे वो बेखबर थी ही द लकी आप जैसी इतनी मोहब्बत करने वाली और केयर करने वाली वाइफ मिली है मलाइका इस जवाब पर कम खड़ी थी खैर मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है वो सुबह तक फ्रेश फील करेंगी वो अपनी कहते जा चुके थे और मलाइका अभी तक पाइप लफ्ज पर अटकी थी तमाम सोचों को झटकते वो कमरे में आई थी जहाँ वकास गनोदगी में था अब कैसे हो तुम तो? वो करीब आई थी वकास ने मुस्कुराते उसे तसली दी थी गोली लगी कैसे और तुम वही से डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले गई इतने लापरवाह क्यों हो तुम तो? सीने पर हाथ बांधे वो माथे पर बल सजाए बोली थी वो जरा सा उठ के बैठा था वकास को खुद की परवाह करती बहुत प्यारी लग रही थी उसका बाज़ू पकड़े अपने पास बिठाया था ये मेरा रूम है तो मैं कैसे पता चला आखिर जहन में गर्दिश करता सवाल उसकी ज़बान पर आया तुम ये भूल जाते हो वकास कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ इसे ताजुब हुआ क्या मतलब तुम मेरे पीछे मेरे घर की तलाशी लेती रही हो बिल्कुल वो इतराई थी उसकी गर्दन में हाथ डाले वकास ने अब इसे अपनी इंतहा करीब किया था इस अचानक आफ्ताब पर मलाइका की सांसें मुंतशिर हुई थी इस दिल की भी तलाशी ले लो बाखुदा सिर्फ तुम ही मिलोगी वो बोझल लहजे में बोलता इसकी की रफ्तार तेज कर गया था। ने मजबूत लहजे में खुद को छुड़वाना चाहता तो भरोसा नहीं कब ये दिल बेमान हो जाए वो मायनी खेजी से बोलता पीछे हटा था मलाइका उसके शहर में जकड़ी उसे तक रही थी ऐसे नहीं देखो माल लेडी वरना दूर रहना मुश्किल हो जाएगा मलाइका ने उसकी बात का मतलब समझते गुस्से से घुरा तुम ये ठरकी बात के लिए बचा के नहीं रख सकती गोली लगी है मगर हरकतें वैसी ही है गोली लगी है मेरी जान दिमाग पर चोट नहीं लगी अगर लग भी जाती तब भी तुमने अपनी हरकतों से कहा बाज आना था मुंह बनाते कहते वो इसके पास से उठी थी खाना ला रही हूँ खा के मेडिसिन लो और सो जाओ और अपनी वाहियात बकवास पर थोड़ा कंट्रोल कर रखो अभी बीमार हो इसीलिए लिहाज कर रही वरना अगली बार अपनी दूसरी बाजू पर भी पट्टी बंद आई देखोगे

थोड़ा खाना और खाने के बाद वकास ने बस की थी और मलाइका से दवा दी थी वहां से फौरन निकली थी उसके करीब नहीं रहना चाहती थी डर था वो इससे मोहब्बत कर बैठेगी इस बात से बेखबर बस के दिल में बहुत पहले ही मोहब्बत का बीज बो चुका है आप ये आप मान क्यों नहीं लेती जी आप अब हमजा भाई से मोहब्बत करती हैं आप क्यों सच्चाई से भाग रही हैं मैं सच्चाई से नहीं भाग रही तो बात तो फिर ये आंसू किस बात के आप ही क्यों आप उनकी तकलीफ में खुद को हलकान कर रही हैं अब के वो गुस्सा हुई थी ये आंसू बस इसलिए है कि मैं कसूरवार हूँ उसकी उस रात में जो ज़्यादा कुछ बोल गई थी मैं गिल्टी थी उस वो बहुत जब से बोल रही थी तुबा को अब गुस्सा आने लगा मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी इसलिए एक बार फिर बोली थी आप ही ये सिर्फ गिल्ट नहीं है आप क्यों नहीं समझ रही वो झुंझलाती उसके पास बेड बैट पर बैठी थी आप क्यों इन्हें भी तकलीफ़ दे रही है और खुद भी तकलीफ़ सह रही है वो किसी तकलीफ़ में नहीं है तो कोई तकलीफ़ नहीं है उसे तकलीफ़ में सिर्फ मैं हूँ तकलीफ़ मैंने सही है तो उन्नीस साल उसके आंसू बह निकले थे उन्नीस साल का अर्सा कम नहीं होता तो मैंने सहे ये साल अकेले खुद से लड़ते कोई नहीं था मेरे पास कोई नहीं वो एकदम फट पड़ी थी इससे पूछो किस बात की सजा दी उसने मुझे क्यों मोह मोड़ के चला गया जब वो चाहता था जारा उसके होने से वो सामने होता है तो जारा की सांसें चलती है वो नहीं होता तो मेरा दम घुटने लगता है वो सब जानता था उसे हर बात का इल्म था फिर भी उसे मेरा दिल तोड़ दिया इतनी बेरुखी किस लिए सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी कि मैं उसकी मोहब्बत में अपना आप तक भूल गई जारा ने अपना आप भुला दिया था तो सीने पर हाथ रखते वो हिचकियाँ लेते रो रही थी अरे वो क्या तकलीफ सहेगा तकलीफ़ मुझे होती थी जब मैं उसकी एक झलक देखने को तरस जाती थी तड़पती रहती थी कि एक बार मुझसे बात कर लो एक बार मेरी बात सुन लो पर वो नहीं सुनता था तो बा वो इतना जालिम बन गया था कि उसे मेरी आह पुकार मेरी सिस्कियां बेमायनी लगती थी वो नहीं सुनता था तोबा इसने नहीं सुनी थी वो बोलने पर आई तो तोबा की साकित गिर गई थी सांस फूलने लगा था दिल के मुकाम पर हाथ रखते वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी जारा ने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसकी आंखों में अश्क रवा तुम तो सुन के रो रही हो मेरी जान मुझ पर तो गुजरी जारा बोलती चेहरा झुकाई गई थी तोबा चलती उसके पास आई थी आपी भाई ऐसे नहीं हैं उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी वो तनज़ी हंसी मजबूरियाँ तब आती है तो बात जब वास्ते ना रखने हो उससे मुझे कभी अपने काबिल समझा ही नहीं था मैंने उसे आसानी से मिल गई थी ना इसीलिए मैं उसके काबिल ही नहीं रही थी मजबूर नहीं था वो मर्द मजबूर नहीं होते जब वो मोहब्बत कर लेते हैं तो उसे हासिल करते हैं हर हाल में वो मोहब्बत करता मुझसे मैंने देखी थी उसकी आंखें मैं मोहब्बत अपने लिए वो करता था मुझसे मोहब्बत मगर फिर चला गया मुझे छोड़ के ढेरों यादों के पिंजरे में कैद किए वो चला क्या वो किसी बच्चे के जैसे रोते बातें दोहरा रही थी तो ने उसके करीब होने की कोशिश की वो क्यों गया क्यों इसका हाथ झटकती वह हलक के बल चिल्लाई थी आखिर क्या वजह थी जो इसने मेरी मोहब्बत का तमाशा बना दिया मुझे बताओ तो उसने गम की शिद्दत से निढाल वो ऊँची आवाज में चिखी थी मैं नहीं कर सकती उसे माफ तुबा। मेरा वजूद नहीं कर सकता ये सब बर्दाश्त वह अपना आप संभालती उठी थी मगर दुपट्टे में पावल जिनते ही वो गिरती इससे पहले ही, ही। आर्यन ने उसे संभाला था जारा उसका था मे बाजों था में बच्चों की तरह बिलक बुलक के रोई थी वो जो लॉन्च में बैठे थे जारा की आवाज सुनते वक्त दोनों उसके कमरे की तरफ आए थे और अब तक उसकी सारी बात सुन चुके थे फैसल तुबा का हाथा में बाहर ले गया था खुद को संभालो जरा रोना बंद करो चाचा और मामा घर पे नहीं है अगर वो तुम्हारी हालत देख लेते तो उनका रही सही हिम्मत भी टूट जाती मैं जानता हूँ जो तुम्हें तकलीफ तुमने सही है वो सहना आसान नहीं है हम सब मिलकर इनकी अजियतों का मददावा नहीं कर सकते जिनसे तुम गुजरी हो मगर गुजरे हुए कल में जीने से बेहतर है मुंह ऑन करो तुम्हें सब भूलने को नहीं बोल रहा ये भी नहीं कह रहा कि तुम मुझसे माफ़ करो मगर ये भी हकीकत है ज़ारा इस अजियत से सिर्फ़ तुम ही नहीं गुजरी अगर तुम उसे देखने को तरस जाती थी तो वो भी सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखता था अगर यहाँ तुम तड़पती हो उसको सुनने के लिए वो वहाँ भी तरसता है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए सिर्फ़ तुम ही नहीं गुजरी अजियत से वो भी गुजरा है मगर यह भी सच है वो मजबूर था उसकी मोहब्बत झूठी नहीं थी आर्यन ने उसकी तरफ़ देखा था जो इसे देख रही थी ऐसी क्या मजबूरी थी उसके आर्यन कि उसकी मजबूरी मेरी मोहब्बत से बढ़ती थी। पर बंद बोली थी तुम एक बार उससे बात करके देखो जारा तुम सब समझ जाओगे आर्यन जो उस लड़की पर तरस आया था तो वह गलत कहती है आर्यन वो तोफ़ा के बाद फिर बोली कि मुझे उससे मोहब्बत है मैं उससे मोहब्बत नहीं करती आर्यन वो इश्क बन चुका है मेरा हमजा मीर जारा अवन मुल्क का ला हासिल इश्क बन गया और ला हासिल चीज़ों को कभी भुलाया नहीं जा सकता अगर ऐसा होता तो जारा को दिखावे की हंसी ना हंसना पड़ता या आंखों के गिरद हल्के ना होते उसके लफ्ज़ों में आर्यन को किसी का अक्स लहराता नजर आया था मगर मेरा वजूद इस बात को कबूल नहीं करता मेरा पूर पूरे नफरत करता है वह हिचकिया ने इतनी शिद्दत से रोती थी तो वह जो जिद करके वापस आई थी जारा को इतनी शिद्दत से रोती देख उसके गले लगी थी आप ही प्लीज़ रोना बंद करें आ नहीं करना हमजा भाई से बात आपको कोई फोर्स नहीं करेगा मगर प्लीज़ रोइए नहीं आप ही आप रो रोइए तो नहीं मुझे भी तकलीफ़ होती है उसकी इतनी मोहब्बत पर फैसल और आर्यन आर मुस्कुराए बिना ना रह सके थे अच्छा अच्छा मैं नहीं रो रही इधर देखो जारा ने उसका चेहरा थामते आंसू पोछे थे हाँ रोना बंद करो बिल्कुल चुड़ैल लगती हो फैसल ने उसका मूड बहाल करने के लिए बोला मगर तुबा का मूव बना था भाई ये आपी को को चुड़ैल बोल रहे हैं इसने फौरन शिकायत की ने फैसल घूरा था अरे नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था वो फौरन से बोला वो सब खाने की टेबल पर मौजूद थे दादी फैसल अपनी खुशकपी मसरूफ थे और अवन साहब अपनी प्रिंसेस के साथ बिजी थी जबकि समीरा बेगम हमजा की तरफ थी वो अकेला बैठा ना जाने किन सोचों में गुम था क्या सोचते वो अपनी जगह से उठा था अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप खाना तो ख़त्म करें बस चाचू खा लिया वो बोलते अपने कमरे की तरफ गया था कमरा लॉक करके उसने लैपटॉप ऑन किए सामने रखा था हाँ हाँ बात कराओ मेरी बीबी जी साहब जी कॉल कर रहे हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं वो इतने दिन भूखा रहने की वजह से नकाहत का शिकार हुई जमीन पर बेसूत पड़ी थी जरा सी आंखें खोले से देखा था आज भी वो जमीन पर सो रही थी आर्यन को वो खुद से भी ज्यादा जिद्दी मालूम हुई थी उसकी हालत देखकर उसका दिल छन्नी हुआ था मालूम नहीं उसके दिल में क्या समाई थी मुलाजमा के हाथ से मोबाइल लेते कान से लगाया था आर्यन भी उसकी इतनी जल्दी रजामंदी पर थोड़ा हैरान किन था ये जानने के लिए कॉल की है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई वह के बाद रुक रुक कर बोली थी ये जानने के लिए मुझे तुम कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है खाना क्यों नहीं खा रही हो ये बता वो मुद्दे पर आया तुम्हारे तो एहसान की ज़रूरत ही नहीं मुझे बिना खाए भी जिंदा रह सकती है। हैं हयाम जहिर दुर्रानी अब मुझे कॉल कर तब करना जब आज़ादी देनी हो और अगर मैं तुम्हें आज़ादी दे ना देना चाहूँ तो तो मैं हमेशा के लिए अपने पास कैद में रखना चाहूँ तो फिर वो खुद नहीं जानता था वैसे सवाल क्यों कर रहा है अगर ऐसा हुआ तो हयाम जहिर दुर्रानी खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली क्योंकि तुम जैसे बेरहम वो करम पर खुद को रखना हयाम दुर्रानी अपनी तोहन समझती है बात ख़त्म करते उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा था इसमें तो अब रोनी की भी हिम्मत नहीं बची थी आर्यन उसकी हालत मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुई थी लैपटॉप बंद करे वो बालकनी में आया था आप मुझसे नाराज़ हैं वो कब से नोट कर रहा था जैसे खाने के लिए आई थी वैसे ही खिला कर वापस जाने के लिए उठी थी जब हमज़ा ने उनका हाथ थामना था मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बेटा फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मुझे भाई सब बुरा कह चुके हैं उन्होंने आपको सारी बात बता दी है मैं जानता हूँ अच्छा बेटा नहीं बन सका आप मुझे डांट ले चाहे तो मार ले मगर ऐसा मम्मा खामोश मत रहिए आपकी खामोशी मुझे तकलीफ़ दे रही थी उसकी आंख से आंसू निकाल पे पिसला फिसला था बुरे आप नहीं बुरी तो मैं हूँ हमजा मैं आपकी माँ नहीं बन पाई मुझे माफ कर दे आप मेरी वजह से तकलीफ में हमजा को उनकी बातें अजियत दे रही थी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा? आप दुनिया की बेस्ट मामा हैं। हमजा ने उनका माता चुमा था कहने से कोई माँ नहीं बन जाती बेटा अगर वाकई आप मुझे अपनी माँ समझते हैं तो मेरे पास आते मुझसे बात करते यूँ अकेले ऐसे तकलीफ़ें नहीं सहते उनके आँसुओं में रवानी आई थी ऐसी कोई बात नहीं मामा मुझे लगता था आप बुरा लगेगा मैं बस इसीलिए इधर देखिए मामा प्लीज़ मुझसे मुँह मुना मोड़े ज़ारा की नफरत से तो नहीं मरा मगर आपकी नाराज़गी मेरी जान ज़रूर ले लेगी समीरा बेगम ने सख्ती से उसके होंठों पर हाथ रखा था मैं आज के बाद ऐसी कोई बात आपके मुंह से ना सुनूं हमजा वो सख्त लहजे में बोली थी तो फिर ठीक है ममा आप ये नाराज़गी ख़त्म करें और रोना बंद करें प्लीज़ आज के बाद ये सगी पराई की बात मत कीजिएगा उससे ज़्यादा मुझसे इस दुनिया में और कोई नहीं प्यार कर सकता और यही हमज़ा मीर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जिसे वो नहीं छुटला सकती मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ मगर अब मुझे अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से ज़ारा और आप दूर हो गए नहीं ममा ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ यह हमारी किस्मत में लिखा था तो फिर इसे किस्मत का लिखा समझ भूल जाए बेटा इनशाला ममा वह था उसे मिलेंगे नहीं उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा था मैं कोशिश करूँगा मम्मा वैसे एक बात बताऊँ आपको मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों बट आप इतनी स्वीट ही क्यों क्यूट है और एक वो है आपकी बेटी पता नहीं किस पर चली गई है हाँ आप मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे हैं उन्होंने मसू घूरी से घूरा जबान तो तले दबाए हंसा था वो इनके कमरे में गई थी जहाँ वो दो दोनों गहरी नींद के मज़े ले रही थी वो अपने कमरे की तरफ जाती लॉन में अकेले ज़मीन पर बैठे नज़र आर्यन मुल्क पर गई थी आज फिर जाग रहे हैं क्या करूँ मम्मा नींद नहीं आती आप क्यों जाग रही हैं मैं हमजा के पास थी अच्छा सब ठीक है हाँ अभी तो ठीक है आर्यन ज़ारा मान जाएगी ना फिक्र नहीं करे वो मान जाएगी सच्ची मोहब्बत गहरे से गहरा जख्म भरने का भी हुनर जानती है मम्मा वो ज़ारा सा मुस्कुराया था आप कल हयाम से मिलने जा रहे हैं वह हैरान हुआ था क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी आपको कैसे पता मम्मा क्या फ़ैसला लिया आपने फिर समीरा बेगम ने उसका सवाल नज़रअंदाज करती फिर बोली थी आज़ाद कर दूँगा सिर्फ कैद से या अपनी मोहब्बत से मम्मा इसकी आवाज़ में कर्प था मैं इसे मोहब्बत नहीं करता वो मोहब्बत दिखावा थी इस बदले का हिस्सा थी ये मैंने खुद उसे बोला था आपने उसे झूठ क्यों बोला बेटा के जबकि आप मोहब्बत करते हैं उससे वो बरम हुई थी मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे मोहब्बत करे मम्मा वरना उसके लिए मेरी नफरत सहना मुश्किल हो जाता अब वो मेरा जुल्म बर्दाश्त करिए मम्मा वो कांच की लड़की अब पत्थर की बन गई है शिकस् खोर लहजे में कहता है वह फीका से मुस्कुराया था कभी कभी इन पत्थरों को पिघाल देना मुश्किल तरीन काम हो जाता है बेटा और कुछ जख्म मोहब्बत में भी नहीं भर पाती इसे समीरा बेगम की बात समझ नहीं आई थी क्योंकि इस का मतलब अब इसे वक्त समझाने वाला था मैं दुआ करूंगी कि अब हयाम और आपकी जिंदगी का कभी सामना ना हो मैं नहीं चाहती वो या आप अब मजे तकलीफ में गुजारो वो बोल रही थी और आ उनकी गोद में सर रखे आके मोंद ली थी तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो मलाइका जो इसे नाश्ते का पूछने आई थी इसे शर्ट के साथ तुलझते देख कर उसके करीबारों की पहले मेरी हेल्प करो फिर बताऊँगा तुम ना भी बताओ फिर भी मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी थी क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है कोई और होता तब भी तुम ही मेरी हेल्प करती माई लेडी थोड़ी देर सहना मुँह बंद नहीं रख सकते क्या उसने घोड़ी से नवाजा था ओके माई लेडी वो चुप हुआ था मलाइका उसकी शर्ट के बटन बंद करती थोड़ा करीब हुई थी जब वक्स ने उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया था मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती इसकी सांसें थमी थी थी और इनकी फीलिंग से नाक थी। पहला ऐसा कभी नहीं होता मगर अब वकास के पास आने पर इसका दिल किसी और ही तरंग में धड़कने लगा था बोलो वकास ने उसका चेहरा अपनी रू किया था ऐसा कुछ नहीं है जाओ तुम ये जा रहे थे ना वो बोलते वहां से भागी थी कभी ना कभी तो ऐतराफ़ करोगी ना मेरी जान और इस पल का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा इसे ख़्यालों में हम कलाम हुआ बाहर निकला था थोड़ी देर तक आ जाऊँगा मेरे लिए फिक्र मत करना तुम्हारी फ़िक्र इतनी बेली नहीं हूँ मैं बदो बदू, बदू जवाब देती फिर से अपने काम में मसरूफ़ हुई थी ओके अभी तो जा रहा हूँ आके पता करूँगा इस बारे में अभी के लिए अल्लाफिज वो सुबह पाँच बजे लाहौर के लिए निकल चुका था वो कुछ देर पहले ऑफिस पहुंचा था देखने में मसरूफ था जब इसके रूम का डोर नॉक हुआ था यस सर आपने बुलाया सारी मीटिंग कैंसिल कर दो ओके सर वो बोलता जा चुका था कुछ देर बाद वो भी ड्राइवर को हवेली का कहते वहाँ से निकला था सोचो का सफर इस लड़की पर ही चल रहा था दिमाग में अलग जंग छिड़ी थी दिमाग की बात मानना खुद को अजियत से देने जैसा था और दिल की बात मानना उसके बस में नहीं था इसी कशमकश में हवेली पहुंचा था चेहरे पर पथरीले तासरा सजाए वो कमरे में दाखिल हुआ था इससे तकलीफ हुई थी वो इसकी दीहर आता आसाइश को ठुकराए जमीन पर सो रही थी वो चलता उससे मजीद करीब गया था दुपट्टे से बेनियाज लंबे बाल बिखरे थे कुछ जमीन पर थे तो कुछ मुंह पर पड़े थे आंखों के गिर सिया हल्के पड़ गए थे रंगत जर्द माइल हो गई थी मगर फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी कशिश थी जो आर्यन मुल्क की नज़र हटने से इनकारी थी वो कुछ बोलता उसका मोबाइल बजाता वो फ़ोन उठाना नहीं चाहता था मगर वकास कॉलिंग देखकर उसने कॉल उठाई थी हाँ वकास बोलो हेलो आर्यन कहाँ तो मैं किसी काम से जरूरी आया हूँ तुम बताओ क्या हुआ इतने परेशान क्यों तुम जहाँ भी हो अभी न्यूज़ चैनल लगाओ तुम्हें सब समझ आएगा ओके आर्या ने कमरे में नज़र दौड़ाई थी टेबल पर पड़े रिमोट को देखते उसने एल ऑन की थी और न्यूज़ चैनल लगाया था मगर वहाँ चलती न्यूज़ देखते ही उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई थी हाथ में पकड़ा रिमोट इसने एल पर दे मारा था जो बर्फ़ चकना चूर हुई थी दस मिनट सिर्फ दस मिनट ये न्यूज़ हर चैनल से हटाओ वरना मैं जो करूँगा सह नहीं पाएगा वो जितने जब से बोल रहा था वकास को इतना डर लग रहा था जिसने ये न्यूज चलाई है जिसने पब्लिश की है एक एक बंदा मुझे घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए वरना काम डाउन आर्यन जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा तुम कुछ मत करना मैं संभाल संभालूंगा इसे कॉल काट दी उसे अपना माथा पसला था ये सब उसके बहन व गुमान में भी नहीं था हयाम उसका हयाम ख्याल आते ही वो उसे जगाने के घर से मुड़ा था मगर उसे अपने सामने हयाम को खड़ी देख वो पल भर को ठटका था उसकी हालत बता रही थी वो सब कुछ देख चुकी है वो सच नहीं है आया ऐसा कुछ नहीं है समझ रही हो ना तुम उसके कंधों से झंझोड़ते होश में लाना चाहता खाली नजरों से तकरी थी वो मैं नहीं वो सख्ते में थी जो जल्दी टूटा था वो मैं नहीं हूँ वो लड़की मैं नहीं हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ वो रोते हालत के बल थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वो न्यूज इसी टीवी फुटेज की थी जो इस कमरे का मंजर बयान करी थी जहां सर्वर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जिसका मज़ू अमीर इंसान के साथ रंग रेलियाँ मनाने का दिया गया था इसका चेहरा वाजे था जबकि सर्वर की शक्ल ब्लर कर दी गई थी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुम क्यों आए मेरी जिंदगी में हयाम उसका गिरबान पकड़ चुकी थी तुम ना आते तो आज मैं इस हाल में ना पहुंचती मैं अल्लाह पूछेगा तुम भी तड़पोगे बल्कि ऐसे ही जैसे मैं तड़पी हूँ वो चीखती हुई ज़मीन पर बैठती गई उसके अल्फाज आर्यन का दिल छन्नी कर रहे थे तुम माफ़ी मांगोगे तो मैं माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा उसकी आवाज़ धीमी हुई आर्यन किसी शर्त के तहत झुका था तो तुम मेरा सब्र लेगा आर्यन इसके मुंह से निकले वो टूटे अल्फाज आर्यन को साखिद कर गए थे मगर अगले ही लम्हे हयाम की नाक से बहता खून इसके आवाज़ छल कर गया था हयाम उठो देखो मेरी तरफ नहीं आके खोलो तो मैं से नहीं जा सकती देखो, उसके चेहरे को थामे वो दीवाना बार बोल रहा था गाड़ी निकालो उसकी आवाज इस हवेली में गूंजने लगी उसे बेजान होते वजूद को बाहों में उठाए वो गाड़ी तक पहुंचा था तुम्हें तो मैं, तो मैं बताऊंगा आज बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे हाथ में चिपकली पकड़े वो इसे पीछे था और तुम आगे आगे सारे घर में भागती फिर रही थी उसका पाँव पिसला था और वो फर्ज पर गिरी थी मम्मा तुबा की से दिल खराश चीख निकली थी अवन साहब और हमजा जो बाहर लॉन में वॉक कर रहे थे फौरन अंदर की तरफ भागे थे फैसल उसको दूर करे मुझसे वरना मैं भाई से आपकी शिकायत करूंगी भाई की बात कर फैसल मजीद करीब आया था तुबा मौके पाते वहां वहाँ से भागी थी मगर सामने से आते समीरा बेगम को देखते उसे राहत मिली थी मामा प्लीज मुझे बचाए वो इनके पीछे छुपी थी ये सब क्या हो रहा है ये क्या हरकत है फैसल अवन साहब की गर्जदार आवाज भी वहां गुंजी थी मामा ये मुझे इस चिपकली से डरा रहे हैं तुबा के बताने पर हमजा और समीरा बेगम का हाथ सर पर पहुंचा था अच्छा आप इधर आओ मेरे पास हमजा ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया था ये क्या हरकत है फैसल क्यों डराते हो तुम तोब्बा को चाचो ये मेरी कोई बात नहीं मानती तो इसका क्या मतलब फैसल वो बात नहीं मानेगी तो आप उसे डरावाओगे समीरा बेगम ने उसके कान खींचे थे हाँ छोटी मामा कान छोड़िए दर्द हो रहा है तो बा हमजा के साथ खड़ी उसकी डांट इंजॉय कर रही थी फसल को तब चढ़ी थी इससे तो कोई कुछ कहता ही नहीं जब भी कुछ बोलता है तो मेरी बात नहीं मानती मेरा कोई काम नहीं करती मैं ही सबको जल्लाद नजर आता हूँ अपनी लाडली को कुछ नहीं कहती आप रोनी सूरत तो चुप दुबा उम्मीद नहीं थी आज से फैसल के सारे काम आप खुद करेंगे आंखों में आंसू लिए उसे अवन साहब की मदद की तरफ तलब नजरों से देखा अच्छा बस करे बेगम बच्ची है अब नहीं होगा ऐसा अवन साहब ने उसे अपने घेरे में लिया मगर आज के बाद ये डराने वाली हरकत नहीं होनी चाहिए फैसल वो जो इसे डांट पड़वा कर खुद को तीस मार का समझ रहा था एकदम सीधा हुआ सब बस मुस्कुराता रह गया अगर पैसल शेर था तो तूब सफा शेर थी वो दोनों ही शरारतों में एक दूसरे से बढ़कर थे अल्लाह ने खंड टके जोड़ी बनाई थी इन दोनों की हमजा सोचते हुए मुस्कुराया था हेलो आर्यन मैं मैंने सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस हाँ वीडियोज़ उड़ा दी तुम सुन रहे हो ना हेलो वकास ने मोबाइल कान से हटाए देखा था मगर कॉल चल रही थी आर्यन क्या हुआ है तुम ठीक हो तुम हो कहाँ मुझे ये तो बताओ मैं हॉस्पिटल में हूँ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो वो और कुछ पूछता कॉल कर चुकी थी वो कास को किसी अनहोनी के तहत थाने से निकलना पड़ा उसका नंबर ट्रेस करवाने को कहता उसने कुछ याद आने पर जीप का रुख मोड़ा था डॉक्टर के अल्फाज उसे नई अजियत में मुबतला कर गए थे पूरा कॉरिडोर उसे अपनी नजरों के सामने घूमता महसूस हुआ था सर था में वो बैठ गया था ये सब क्या हो गया ये नहीं होना चाहिए था इसकी आंखें भीगी थी कंधे पर दबाव महसूस करते आर्यन ने नजरें उठाई थी सामने खड़े बकास और मलाइका को देखते उसे कुछ ढाड़ास मिली थी आर्यन तुम यहाँ सब ठीक है ना और ये क्या हालत बना रखी है तुमने मलाइका के सवालों पर इसने आई की तरफ इशारा किया वो दोनों इसी तरफ लपके थे वहाँ हयाम को लात लद्दात मशीनों में जकड़े देख दोनों ही एक जगह कंक खड़े थे ये तो हयाम है ना जहिरतुरानी की बेटी ये यहाँ कैसे ये तो मर चुकी थी क्या मतलब ये जिंदा थी वकास के सवालों पर इसका सर झुका था मैं तुम्हें सब बताऊंगी वकास अभी खामोश रहो इसे चुप कराती वो आर्यन की तरफ आई ये सब क्या हुआ है आर्यन और हयाम को क्या हुआ है ब्रेन हेमरेज वह जब से बोला था वॉट मगर कैसे उसने वो न्यूज़ देख ली थी आर्यन ने वकास की तरफ़ देखा था कौन सी न्यूज़ कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है इसके पूछने पर वकास ने उसे सारी तफसील बताई थी जिसे सुनने के बाद वो सख्ती की हालत में आई थी वो तीनों ही अपनी अपनी जगह परेशान बैठे थे जब डॉक्टर कमरे से आई थी वो तो ठीक है ना इसे कुछ हुआ तो नहीं कैसी है वो तुम बोलती क्यों नहीं हो आर्यन ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ा था वो कोमा में जा चुकी है मिस्टर आर्यन उनको कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है जिसको वो बर्दाश्त ना करते वो कोमा में जा चुकी है उसके कदम लड़खड़ाए थे वकास ने बर वक्त सहारा दिया था वरना आर्यन मुल्क ज़मीन बोस हो चुका होता उसका जहन माफ हो रहा था सब समझ से बाहर था वो सब इतनी अचानक हुआ था कि आर्यन मुल्क की सोच थी उसके कानों में हयाम के आखिरी अल्फाज गूंजे थे आर्यन तुम ठीक हो ना हाँ ठीक हूँ वो अपना हाथ छुड़वाता मुड़ा था मगर आर्यन वो हयाम दुरानी साहब को कॉल कर दो जब वो यहाँ आ जाए तो तुम दोनों यहाँ से चले जाना और घर में किसी को खबर नहीं करना वो कहता रुका नहीं था डॉक्टर वो कब तक ठीक हो जाएगी देखिए हम कुछ नहीं कह सकते उनकी हालत बहुत नाजुक है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बाकी आप दुआ करें मलाइका इनका जवाब सुनती बेंच पर ढह गई थी और आर्यन के बहुत क्लोज थी उसे जब मालूम हुआ था आर्यन अपने दुश्मन की बेटी से प्यार करता है तो इसे दुख हुआ था क्योंकि इसमें आर्यन का सिर्फ दुख ही मिलना था मगर हयाम उसे भी कभी बुरी नहीं लगी थी आज उसकी तकलीफ मलाइका को तकलीफ दे रही थी मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मलाइका आर्यन तो हयाम से मोहब्बत करता था फिर ये सब और कैसे अगर वो जिंदा थी तो कहाँ थी और आर्यन के पास क्यों थी उलझन खत्म हो नहीं रही बकास ने एक साथ सारे सवाल पूछ डाले थे मलाइका ने उसकी तरफ देखा तुम तो मुझ पर यकीन कर सकती हो बकास उसकी नजरों का मतलब समझते भरोसा दिलाते बोला था जिस पर मलाइका ने उसे सारी कहानी सुना दी तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें साइड पर मिली थी वो हमने सर्द खाने से मंगवाई थी वकास उनके मास्टरमाइंड प्लान पर शल खड़ा था ये लो नंबर दुर्रानी साहब का और इन्हें कॉल कर दो मेरे पास है वो बोलता डॉक्टर के कैबिन में गया था और इससे सारी बात समझाते कॉल करने को बोला था ममा आप नहीं जाइए ना तुबा ने फिर से वही ट्रट लगाई थी ममा की जान उदास नहीं हो मेरा भी जाने को दिल नहीं करा मगर जाना ज़रूरी है और आपके बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी दादी उनके बेटे की टीचर्स रह चुकी हैं अब उन्होंने इनवाइट किया है इसलिए जाना ज़रूरी है हाँ फिक्र ना करें हम कल इसी वक्त घर होंगे इन मम्मा ज़ारा मुस्कुराई थी हमज़ा आप भी यहाँ आए मुझे आप तीनों से बात करनी है जी मम्मा यहाँ बैठे उन्होंने उसे ज़ारा के साथ बैठने को कहा हमज़ा चुपचाप बैठ गया ज़ारा मजीद दूर खिसकी थी हम कल तक वापस आ जाएंगे मगर तब तक कोई शरारत नहीं होनी चाहिए आप तीनों सुन लें मेरी बात उन्होंने फैसल को देखते सबको बोला था जारा और तुबा हंसी थी आप दोनों भी सुन लें मैंने खाना बना के फ्रीज कर दिया है और कुछ खाना हो तो मुलाजमा को बोल देना और हाँ मामा आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं आप सब कितने बड़े हो गए हैं ये मैं कल देख चुकी हूँ इन तीनों को अपनी अपनी शरारती याद आई थी दादी भी मुस्कुराई थी अगर आर्या नहाँ होता तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती मगर अब इन सब की जिम्मेदारी आप पर है हमसा आप बिल बेफिक्र हो जाइए मम्मा कोई चीज़ शरारत नहीं करेगा उसने उन्हें तसली दी थी बेगम देर हो रही है अवन साहब भी वहाँ आए थे खैर तो है यहाँ कोई मीटिंग चल रही है वो ताजुब से बोले थे जी चाचू आपकी बेगम हम सबको बोल रही है कि हमने शरारत नहीं करनी बिल्कुल सही कह रही है फैसल कोई भी शरारत नहीं करनी चाहिए ओके चाचू आपके आने तक कोई शरारत नहीं करूँगा मगर उसके बाद इन दोनों की खैर नहीं वो जारा के बाल खींचते भागा था फैसल के बच्चे जारा ने कशन फेंक कर मारा था समीरा बेगम अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी देखा ये नहीं सुधर सकते आप जाए मम्मा मैं हूँ यहाँ मैं देख लूँगा वह इन्हें तसलियाँ देता बाहर तक छोड़ने आया था समीरा बेगम इन्हें जाते इन तक नसीहतें कर रही थी जैसे हमजा ने इस सो इन तीनों का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था सांस फूली हुई थी वो भागते हुए राहतदारी बूर करते डॉक्टर के कैबिन आए थे डॉक्टर जो वकास का सिखाया बैठा था कि दुरानी साहब को इनकी गुमशुदा बेटी के बारे में क्या बोला है इन्हें देखते एकदम कन्फ्यूज़ हुए थे मेरी बेटी का है डॉक्टर अल्लाह का वास्ता है, मुझे बताएं मैं आपके आगे हाँ हाथ जोड़ता हूँ हाथ जोड़ने से वो भराए लहजे में बोले डॉक्टर जो उनकी तरफ से कुछ और ही सवालों की उम्मीद लगाए बैठा था अपने खदा गलत महसूस हो रहे थे आइए मेरे साथ रानी साहब उनके पीछे हुए थे यहाँ है आपकी बेटी वो कमरा दिखाते साइड हुए थे तो आखिरकार इनका इंतजार खत्म हुआ था इनके सबर का फल इन्हें मिलने वाला था आज वो डेढ़ महीने बाद अपनी बेटी से मिलने वाले थे उसे देखने वाले थे जिसको देखने के लिए वो आँखें तरस गई थी हाथ काँप रहे थे काँपते हाथों से उन्होंने नोप घुमाया था आँखें मुसलसल भीग रही थी जिसके बाद सामने का मंजर धुंधला था आँखें साफ करते वो कमरे में दाखिल हुए थे वो चलते उसके करीब आए थे मेरी बेटी हयाम उन्होंने उसका चेहरा छुआ था आप कहाँ चली गई थी आपके बाबा आपको बहुत मिस किया बाबा की जान दुरानी साहब ने उसके हाथ चुमे अब हम यहाँ नहीं रहेंगे ये दुनिया बहुत मतलब ही है मैं आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा इसका माता चुमे वो धीरे से बोल रहे थे आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे वो बगैर पल के छुप गए अपने जान के टूटे देख रहे थे जिसे अगर पलक झपकी तो वो फिर से इनसे दूर हो जाएगी उन्होंने नोट किया था वो तब से बात कर रहे थे मगर हया वैसी ही पोजीशन में लेटी थी, थी उनकी किसी बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी हया मेरी जान आके खोले बाबा आए हैं आपके देखिए बिना मेरी तरफ आप मुझसे क्यों बात नहीं करी हया मेरी तरफ देख भी नहीं रही बेटा आके खोले क्या हुआ है मेरी बेटी को वो रोते डॉक्टर की तरफ मुड़े थे वो जो सर झुका गए थे आप बोल क्यों नहीं रहे दुरानी साहब इनकी तरफ आए शी इज अ अमा हमने बहुत कोशिश की मगर सर पर लगी गहरी चोट के बाद ये कोमा में चली गई थी डॉक्टर ने वकास की बतलाई लाइन दोहराई दी और झूठ मूठ की पट्टियाँ वो इसके सर पर पहले ही कर चुके थे आंसू लड़ियों की सूरत में बहने लगे थे मेरी बेटी को ठीक कर दें आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ मेरी बेटी को पहला जैसा कर दी इनके लहजे में अजियत थी अजियत थी मलाइका उनकी बेबसी जैसे तड़प उठी थी वो इनके पास जाकर उन्हें दिलासा देना चाहती थी वो ऐसा करती मगर उससे पहले ही किसी ने उसकी बाज़ू पकड़े वापस खींचा था बात पैसों की नहीं है दुर्रानी साहब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप भी दुआ करें बेशक वो ज़ात सबसे सबकी सुनती है मुझे और भी मरीजों को देखना है फिर मुलाकात होगी दुरानी साहब ने मुड़ते अपनी बेटी को देखा था बेशक वो जात सुनती है उनको उम्मीद की एक नई किरण मिली थी उनके लिए यही बहुत बड़ी खुशी थी कि उनकी बेटी मिल गई थी उनके सामने थी तुम पागल तो नहीं हो गई मलाइका ये क्या करने वाली थी तुम बकाश को इससे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी वो रो रहे थे बकाश वो बहुत तकलीफ़ में है मुझसे देखा नहीं गया इन्हें रोता देखकर मुझे मेरे बाबा की खामोश हो जाओ हमें अब घर चलना चाहिए उसके वाली साहब यहाँ उसके पास आ गए हैं अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है वकास उसे समझाता वहाँ से ले गया वो वो था वो तीनों बगैर किसी शरारत के अपने कमरों में चले गए थे मगर आर्यन की तरफ से उसकी परेशानी सभी से वैसी ही थी सुबह से वो न जाने कितनी कॉल कर चुका था जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था हमजा ने सोचते हाथ बढ़ाया टेबल से पानी का जग उठाया था जो कि खाली था वो पानी की नीयत से किचन में आया था जहाँ जारा पहले से ही मौजूद थी उससे आने वाले को देखा था नजरों का मेल हुआ था जारा कुछ भी बोले बगैर वहाँ से कदम बढ़ा गई थी उसकी आंखों में जलते नफरत के दिए देख हमजा के दिल को कुछ हुआ था अभी भी नाराज हो जग काउंटर पर रख के वो आगे आया था ये वो सवाल करना नहीं चाहता था मगर उसे रोकने के लिए कर गया था पल को कदम रुके थे मगर अगले ही लम्बे वो फिर से कदम बढ़ा गई थी इससे पहले हमजा उसके रास्ते में हायल हुआ था जवाब तो दो इसे बाकायदा मन्नत की थी मैं नाराजगी का रिश्ता भी अपने म्यार के लोगों से रखती हूँ हमजा मीर और अफसोस तुम तो मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतरते वो कठोर लहजे में कहती उसके आगे से गुजरी थी एक बार आजमा लो। क्या पता इस बार तुम्हारे म्यार पर पूरा उतर सको वो हारे हुए लहजे में बोला जो शख्स मेरी मान का भरम नहीं रख पाया वो मेरे म्यार तक खा उतरेगा अब बात रही आजमानी की तो आइंदा मेरे रास्ते में आने से पहले लाख बार इस बात को याद कर लेना हम

अपना भारी बूट की नोक उसके मुंह पर रखा था वो पिछले दो घंटे से उसे टॉर्चर कर रहा था जिस्म पर जगह-जगह कट लगे थे हाथ की दो उंगलियां बेदर्दी से जिस्म से नोच डाली थी मगर مقابل शायद अपने मालिक का वफादार था इतनी तकलीफ सहने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला था उफ्फ तकलीफ़ किया था उसने तो तू ऐसे नहीं मानेगा आर्य ने पास पड़ा मिर्चों वाला डब्बा उठाया और पूरा का पूरा उसके मुंह में उंडेल दिया था वो जो चेयर पर रस्सी से बंधा था तकलीफ से बिलबिला उठा आंखें सुरख अंगारा हुई थी आंसू और पानी के बे बहने लगे थे पानी पानी मेरा पानी वो धाड़े मारता, इधर उधर हाथ मार रहा था तकलीफ के पास वो रोने लगा आर्यन पास बैठा बहुत गौर से उसे देख रहा था बताऊंगा सब बताऊंगा आखिर उसने हार मानी थी आर्यन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी उसने गार्ड को इशारा दिया जैसे आगे बढ़ते उसे पानी पिलाया कुछ देर जलन का एहसास कम होने पर उसने सामने बैठे उस जालिम शख्स की तरफ़ देखा क्या जानना चाहते हैं आप नाम बताओ उसका अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा इसकी आवाज़ में खौफ था अगर तूने नाम ना बताया तो तुम सोच भी नहीं सकते आर्यन मुल्क तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत देगा उसका हाथ फिर से मिर्चू की तरफ गया मुकाबिल उसके ख़तरनाक इरादे देख कर चीख था बताऊँगा नाम बताऊँगा तो शाबाश अजमल पाशाह वह हैरान हुआ था मगर इसका सबसे क्या तालब देखो मुझसे झूठ मत बोलो वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा वो सर्वर का बदला ले रहा है क्योंकि आपकी वजह से उनके तमाम काले धंधे रुक गए हैं सरवर यहाँ से लड़कियाँ तस्करी करता था और ड्रग्स भी पाकिस्तान में सर्वर की वजह से ही सप्लाई होती थी और सर्वर अब आपकी कैद में है इसी वजह से इसके तमाम काम रुक गए हैं ये जो भी कोई हुआ है ये सब सिर्फ ट्रेलर था वो कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है जिसके लिए उसे पूरी टीम की ज़रूरत है वो अब की बार पूरे तैयारी के साथ वापस आएगा अभी वो कहाँ हैं पाकिस्तान से बाहर ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो क्योंकि उसने दुबई में अपनी रियासत कायम कर रखी है जहाँ लाखों की तादाद में गार्ड्स उसकी हिफाजत करते हैं इसीलिए वो कम ही कहीं जाता है और इसके अलावा तुम क्या जानते हो मेरा यकीन करो जितना जानता था सब बता दिया और कुछ नहीं जानता मैं ये सही कह रहा है आर्यन इसके पास से जो यू मिली है इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तुम कब आए जब तुम इसका बंद ताला तोड़ रहे थे वकास ने उसे आंख मारी थी फजूल बोलना बंद करो वकास और मुझे बताओ आगे क्या करना है मुझे क्या पता आगे क्या करना है ये तो तुम्हें पता होगा ना एजेंट थ्री नाइन्टी सिक्स ओके सॉरी आर्यन की घुरी पर वो फट से सी सीरियस हुआ था वकास की बात पर आर्यन का माथा ठनका था ओके okay, सॉरी ऐसे नहीं देखो बताओ क्या करना है अब सबसे पहले हॉस्पिटल में दो गार्ड्स का इंतज़ाम करो जो हर वक्त उसके साथ रहेंगे मगर उसे मालूम हुए बिके क्योंकि अगर अजमल खान मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है तो इस पर ही वो वार करेगा और उसके बाद दूसरा मिशन मुझे बताओ वो कहाँ तक है अगर तुम मुझसे कुछ नहीं होता तो बता दो मैं अपनी किसी टीम मेंबर से बोल देता हूँ अब तुम मेरी बेजती कर रहे हो आर्यन मुल्क आर्यन ने उसे घुरा था मेरा मतलब हो जाएगा काम मुझे बस दो दिन दे दो ओके दे दिए मैं इंतजार करूंगा अब मेरे सामने तभी आना जब काम हो जाएगा और इसका क्या करना है वकास ने उस आदमी की तरफ इशारा किया जेल में डलवाएंगे और क्या करना है तुमने इसका मलाइका को शक तो नहीं हुआ ना तुम पर नहीं अभी तक तो नहीं होना भी नहीं चाहिए मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ मगर अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए मुझे आर्यन उसे कड़े तेवरों में बावर करवाता वहाँ से गायब हुआ था वो चारों एक टीम थे वकास ये बात जानता था मगर वो सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते ये बात इसके बहन वो गुमान में भी नहीं थी इसे इन चारों के साथ एक मिशन दिया गया था जिसकी वजह से इसकी इनकी हकीकत खुली थी वरना वो अब भी इनके और इनके काम के तरीके के खिलाफ होता मगर ये बात भी अभी मलाइका और सिर्फ आर्यान जानते थे हमजार फैसल इस बात से भी बेखबर थी कि वकाासन की असल पहचान जान गया था भाई से रब्ता हुआ हाँ कुछ देर पहले कॉल आई थी ठीक है वो बोल रहे थे कल तक वापस आ जाएंगे अच्छी बात है तुम कहीं जा रहे हो हमजा उसे तैयार होते देखते पूछा हाँ यही बताने आया था कि तुब आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है आज कोई मसरूफियात भी नहीं है तो सोचा इसे ले जाऊँ वैसे तुम मसरूफ होते कब हो मुझ पर नजर रखने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो फैसल सामने से आती जारा को देख के बोला जारा नहीं जा रही तुम दोनों के साथ नहीं इसका मोड़ नहीं है तो इसीलिए मैं और सिर्फ तूबा जा रहे हैं हमजा को इसके इरादे गलत लगे थे तोबा आ भी जाओ यार हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं किसी की शादी में नहीं जा रहे जो तुम इतना लेट कर रही हो इससे पहले हमजा को शक होता फैसल वहाँ से निकलता चला गया मगर तोबा की वजह से उसे अब तब चढ़ने लगी थी अपना और जारा का ख्याल रखना बहुत ज़ारा फैसल शरारे अंदाज में बोलते तुबा का हाथा में वहाँ से निकला था जारा और हमजा नासमझी से एक दूसरे को देख रहे थे वो दोनों जा चुके थे जारा वहाँ से अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी थी मगर बदकिस्मती से उसके हाथ में पकड़ा ग्लास जमीन बोस हुआ था हमजा जो अभी तक फैसल की बातों पर गौर कर रहा था ग्लास टूटने की आवाज पर पलटा था जारा अपना पाँव पकड़े खड़ी थी ओश ये क्या कर दिया तुमने उसके पाँव से खून बहते देख वो करीब होकर बोला था इधर बैठो फौरन से काश निकालना होगा जारा उसके रवैये पर हैरान थी क्या था वो शख्स इतनी तस्दील के बाद भी उसकी इतनी फिक्र में लगा था वो वहीं सोचने पर मजबूर हुई थी मैं ये काश निकालता हूँ थोड़ा सा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा और वो ऐसे बता रहा था जैसे दर्द जारा को नहीं इसे हो रहा था पर यह बात भी सच थी चोट उसे लगी थी और उसकी तकलीफ हमजा को महसूस हुई थी वो बिना छिपल के छपकाए उसे देख रही थी हमजा ने उसके पाव से काश निकाला था मगर वो वैसे ही खामोश बैठी उसे देखने में महू थी इसके मुंह से उफ तक ना निकली थी सिर्फ बहुत का जान होती है और हमजा जो जख्म उनके आगे तो बेजर सी है अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए इसकी आंखों में आंखें गाड़ी बोली थी हमजा की नज़रें बेसाख्ता झुकी थी इसके पाँव की पट्टी करने लगा था जारा की आँख एक मोती बहता हमजा के हाथ पे गिरा था दिल दर्द से फट गया मगर वह इस बेहि इंसान के सामने रोना भी नहीं चाहती थी वो खुद को मज़बूत बनाना चाहती थी वो पट्टी कर चुका था जारा फ़ौरन भाँ से गायब होना चाहती थी उससे पहले वो उठती हमजा उसका हाथ थाम था उसके पैरों में ही बैठ गया मुझे तुमसे बात करनी है वो मन्नत भरे लहजे में बोला फैसल हम हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना वो आइसक्रीम का कसकोप लेते बोली थी और वो दोनों कुछ देर पहले आइसक्रीम शॉप पर पहुंचे थे तुम क्यों इतना सोच रही हो तुम नहीं तो बताया कि ज़ारा अभी भी, भी हमजा से प्यार करती है और हमजा तो वैसे ही फिदा है उस पर बाकी मुझे लगता है कि इन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है जब साथ बैठेंगे बात करेंगे तो देखना सब ठीक हो जाएगा मगर फैसल आप ही बहुत ज्यादा नाराज हैं भाई से वो उदासी चेहरे पर सजाए बोली थी फैसल को इस पर प्यार आया था जानता हूँ मैं और जारा का हक बनता है नाराज़ होने का तुम यकीन करो तोबा मैं और आर्यन भाई जारा की दीवान की देख कर रश करते थे इस पर जारा का रोना तड़पना सब दिखाया है हमने और तुबा वो वाकई बहुत तड़पी है हमज़ा के लिए मुझे इस पर बहुत तरस आता है गुस्सा भी आता है कभी कभी के इस उल्लू के पट्टे से प्यार कर बैठी है तुबा ने उसे घूरा था खैर हमजा भी बहुत तड़पा है उसके लिए तो आपको लगता है वो मान जाएगी हमजा भाई को माफ़ कर देगी तो बस सच बोलूँ तो अब हालात वैसे नहीं है जारा उससे अब नफ़रत भी करने लगी है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा मुश्किल होगा तो अगर इन दोनों की दोस्ती ना हुई तो इसे एक और सवाल किया तो क्या ज़ारा की शादी कर देंगे हमजा भाई से वो खुश होते हुए बोली नहीं किसी और से बुद्धू जब वो माफ़ी नहीं करेंगे तो शादी कैसी होगी अब तो तुम आइसक्रीम ख़त्म करो फिर घर चलते हैं मुझे तो हमजा की फ़िक्र हो रही है कहीं ज़ारा उसका कत्ल ही ना कर दे उफ फैसल कभी तो सीधा बोल दिया करे वो इसकी सोच पर अफसोस करती बोली अच्छा बोल दो कोई मसला नहीं है तुम्हें फैसल घर चले देर हो रही है वह इसकी बात का मतलब समझते बोली थी जी मेरी जान अब तो यही बोलना है तुमने वह हजा था अपनी बहादुर चूजी की बहादुरी पर जो ना सिर्फ नाम की बहादुर थी उसकी जरा सी कुर्बत ही उसका बेहाल हाल कर देती थी जहरा ने अपने पाँव पीछे किए थे तुमने बात करने लायक कभी छोड़ा ही नहीं वो सर्द महरी से बोली थी एक बार मेरी बात तो सुनो इसके बाद जो तुम फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा इसने अपना रुख दूसरी तरफ किया था हमजा ने उसको सर झटकते बोलना शुरू किया था मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ जाना तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली खुशी हो जिसे मैंने खुद भी छूने से डरता था कि कहीं मेरे छूने से मेरी खुशी बिखर ना जाए तुम वाद इंसान थी जिसे देख कर ही मेरी सारी परेशानियाँ थकावटें पल भर में ज़ाहिर होती थी इसका लहजा बिखा था मगर मैंने सब खो दिया जा जारा सब अपने माँ बाप को फिर अमीमा और अब तुम्हें भी शायद खो चुका हूँ जारा को अपना दामन भीगता महसूस हुआ मुझे लगता था अगर मैं तुम्हारी करीब आया तो तुम भी बाकी सब की तरह दूर चली जाओगी तुम सही कहती हो मैं वाकई बुजदिल हूँ क्योंकि मुझे आदतें डर लगने से डर लगता था मैंने बहुत कोशिश की खुद को इस डर से आज़ाद कर सकूँ और मैं कामयाब भी रहा था मगर वो खामोश होता जारा को इसकी वक्त खामोशी जहर लग रही थी मगर क्या जारा को अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई मैं मजबूर था जारा मैं और वो कितना झूठ बोलोगे हमजा वो ट्रांस की कैफियत से बोली हमजा ने सर उठा के उसे देखा तुम्हें तो खौफ नहीं आता क्या एक ही दिल कितनी बार तोड़ोगे तुम क्यों ये झूठी कहानियां सुना रहे हो कोई मजबूरी नहीं थी तुम्हारी सिर्फ साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं थी ये बात तुमने खुद आर्यन से बोली थी कि तुम दोनों के लाहौर जाने से एक दिन पहले जिस रात तुम और आर्यन लॉन में बैठे थे मैंने अपने कानों से सुना था जारा मेरे लायक नहीं है और ना ही वो मेरे म्यार पर उतरती है जैसी लड़की मुझे चाहिए जारा कभी नहीं बन सकती वैसे इसे उन्नीस साल पहले की बात वैसी बोली थी जैसे उसने बोली थी वो शशतर खड़ा उसे सुन रहा था चुप चुपकी हो हमसा मीर बोलो क्या ये झूठ है बोलो जाना तुम जो कह रही हो गलत है तुमने जो सुना वो गलत है बोलो हमजा वो शिद्दत से रोती चिल्लाई थी तुम ठीक कह रही हो तुमने सही सुना जारा ये मेरे ही अल्फाज थे चटाक नुसवानी थप्पड़ की गूंज कमरे में गूंजी थी जारा का थप्पड़ हमजा के गाल पर पड़ा था तो वापस किस लिए आए हो तुम बोलो एक बार दिल तोड़ के मन्नी भरा तुम्हारा जो दोबारा मेरी जात का तमाशा बनाने आ गए हो ऐसे हमजा का गिरबान सख्ती से जकड़ा था उसकी शर्ट का बटन टूटता हुआ उसके हाथ में आया था वह अपने अल्फाजों से हमजा को मसलसल घायब कर रही थी मैंने पहले भी ऐसा कुछ नहीं चाहा था अब भी नहीं चाहता तुम्हारे सामने हूँ जो सजा दोगी कबूल करूँगा इसकी आवाज़ में बेबसी ही बेबसी थी बस एक बार माफ़ कर दो खत्म कर दो ये नाराज़गी तुम नहीं जानती कितना सहा है मैंने तुम नहीं जानती मैं इसकी इज़ियत किस मोड़ पर हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ ऐसा क्या बोलूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देख कर पल पल मरता हूँ तुमने सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया मैं भी कर रहा हूँ अब भी कर रहा हूँ वो रोता हुआ उसके सामने घुटनों से बैठते चला गया जारा का दिल पल भर के लिए तमा मैं मर जाऊँगा जारा और ये तुम्हारी नफरत मुझे मार देगी तुम क्यों नहीं समझती इसने अपना आंसू छुपाने के लिए बाजू आंखों पर रखा था जारा का दिल कट कर रह गया उसकी हालत पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी थी मगर अपने पीछे उस शख्स को पल पल मरने के लिए छोड़ गई थी वो नहीं जानती थी वो क्या करके जा रही है हम जाए से तब तक देखता रहा जब तक वो इसकी नजरों से उजल हुई थी अपने बेजान होते वजूद को घसीटते हुए वो कमरे तक लाया था शाम के आठ बजने वाले थे वो दोनों घर में दाखिल हुए थे शाम के विसाये गहरे होने वाले थे पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था ऐसे फैसल का बाजो दबोचा था डरो नहीं मेरी जान अभी लाइट्स ऑन करता हूँ ये मुलाजमा पता नहीं कहाँ गई है शाम हो गई और लाइट्स ऑन नहीं की उफ फैसल मुलाजमा और बाकी सब हम ने ही तो छुट्टी दी थी आप भूल गए क्या ओह हाँ याद आया वो सर पर हाथ मारते बोला अच्छा आप लाइट्स ऑन करें मैं आपके पास जा रही हूँ वो सीढ़ियों की जानी बड़ी थी वो सारी लाइट्स ऑन किए इसके पास जाने की सोच रहा था इससे पहले ही तो बहुत से परेशानी से अपनी तरफ आती दिखाई दी क्या हुआ तो बहुत सब ठीक है फैसल आपकी रूम में नहीं है ना मेरे रूम में वो परेशान हुआ था उसे कहाँ जाना है तू बार यही गई होगी चलो मिलकर ढूंढते और अगले दस मिनट में उन्होंने पूरा घर छान मारा था मगर जारा कहीं नहीं थी फैसल आप ही कहा गई वो डरी सहमी बोली तो बार रिलैक्स वो यही होगी तुम टेंशन ना लो हमजा कहाँ है फैसल को कुछ याद आया था वो अपने रूम में है शायद वहां नहीं गई शायद हमजा को कुछ पता हो आओ मेरे साथ वो दोनों हमजा के कमरे में पहुंचे थे जहाँ वो आंखें मूंदे अपने टूटे दिल का शोक मंगाने कारपेट पर बैठा था तो बार फैसल उसकी हालत देख हैरान हुए थे ये क्या हाल बना रखा है तुमने हमजा वो उन खामोश बैठा सुनता रहा भाई क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे और जारा भी है हमजा ने झट से आंखें उसे देखा क्या मतलब जारा घर में होगी ना और ना यही तो मसला हमजा है है वो घर में नहीं है. हम सारा घर देख चुके हैं वो ऐसे कभी बगैर बताई नहीं जाती कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना फैसल के लहजे में फिक्र थी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है फैसल जारा को ढूंढना होगा वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है तुमने गार्ड से पूछा नहीं हमज़ा फ़ौरन से बाहर की तरफ़ भागा था गार्ड इन तीनों को देख परेशान हुआ क्या हुआ छोटे साहब सब ठीक है तुम मुझे बताओ ज़ारा बाहर गई थी जी साहब जी ज़ारा मैडम कुछ देर पहले ही निकली है पर वो रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है हमजा के जहन में कुछ क्लिक हुआ था गार्ड गेट खोलो अब तुम कहाँ जा रहे हो मैं जानता हूँ ज़ारा इस वक्त कहाँ होगी वो गई मेरी वजह से है तो सलाऊंगा भी मैं ही तुम दोनों घर ही रहो फैसल तुबा का ख्याल रखना और अगर कोई अगर खबर मिले तो इन्फॉर्म करना ओके okay, ख्याल रखना अपना हमजा गाड़ी जन से भगा ले गया सुबह अंदर चलो फैसल नापी उसकी आंखों में आंसू जमे थे रिलैक्स मेरी जान वो बिल्कुल ठीक होगी हमजा उसे ले आएगा वापस चलो आओ मेरे साथ वो इसे प्यार से पचकारते हुए वापस से घर के अंदर लाया था यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ फैसल अगर आप ही को कुछ बुरे लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचो इनशाला वो जहाँ भी होगी ठीक होगी अल्लाह जी इन दोनों को अपने अमान में रखेगा आमीन आमीन मेरी जान वो मद्दम समझकर आया था आ जाओ बका से आने को वाले को इजाज़त दी थी मगर सामने मलाइका को आते देख उसने फ़ौरन से लैपटॉप बन किया जिस पर वो कुछ देर कबल काम कर रहा था मलाइका ने उसकी हरकत नोट की थी मगर वो खामोश रही थी मैं बताने आई थी कि खाना रेडी हो गया है आके खा लो वो जाने के लिए मुड़ी थी जब आकाश ने पुकारा था मलाइका उसे सवालिया नजरों से देखा था यहाँ आओ वो बगैर कुछ बोले उसके पास आई थी एक फेवर कर दो प्लीज़ बोलो ये पट्टी चेंज कर दोगी प्लीज़ मेरी उलझन हो रही है और मैं खुद नहीं कर पा रहा मलाइका बगैर कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई थी वो पट्टी चेंज कर रही थी जब आकाश ने पुकारा था माय लेडी आज इतनी उदास क्यों वो क्या। तुम कुछ देर के लिए बंद नहीं कर सकते है तुम बोली तो, सही। वरना मैं तो डर गया था मैं सारी जिंदगी गूंगी बीवी के साथ रहूंगा आईब्रो उचकाती उसे खतरनाक तेवरों से देख रही थी और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे तो अच्छे भी तैयार हो गए तुम क्या चीज हो इसके बाद पर मलाइका की तेवरी चढ़ी थी पहली बात मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और दूसरी बात मेरे अच्छे तो क्या बुरे भी तुमसे शादी नहीं करेंगे यूँ दो टोक दो टके की वर्दी वाले मलाइका ने उसे घूसा मारा था आज जंगली बिल्ली तुम तो मेरी नाक के पीछे पड़ गई हो नाक सहलाते वो दरुस्त बोला था तुम ये लो दोफरों वाली हरकतें छोड़ दो मैं भी तुम्हारी नाक की जान छोड़ दूंगी ना जाने क्यों आज मलाइका को इस फजूल बहस पे मजा आ रहा था तो तुम मुझसे शादी कर लो दीवार से लगाए उसके सामने आया था मलाइका जो अपने ख्याल में थी उसकी हरकत पर जहर खुद नजरों से उसे देखा था पर मुंह से कुछ बोली नहीं थी बोलो करोगी शादी तुम सीरियस हो मलाइका ये नहीं पूछना चाहती थी मगर पूछ बैठी बकास ने अपना माथा उसके माथे से टिका लंबी सांस खींची थी हाँ उसके एक लफ्जी जवाब पर मलाइका की सांसों की रफ्तार तेज हुई थी वो जो नहीं चाहती थी वही हो रहा था वो इससे मोहब्बत करने लगी थी जवाब दो मलाइका अपनी सोचों से बाहर आती उससे दूर हुई थी आके खाना खा लो इसके बारे में बाद में बात करेंगे वकास खुश था वो बात करने पर राजी तो हुई थी उसका मतलब था वो इसके बगैर इसके बारे में फीलिंग्स रखती है वो सोच करी खुशी से पागल हो रहा था इस बात से बेखबर कि इसकी खुशी भी कुछ बल्कि थी वो रेस्ट ड्राइविंग करता बीच पर पहुंचा था जब उसकी सोच के मुताबिक जारा समंदर के करीब बेंच पर बैठी थी आती जाती लहरों को देख रही थी हमसा दौड़ता बस तक पहुंचा था ये क्या पागलपन है शदीद गुस्से के आलम में वो बाजुदा पुचे जारा के मुंह पे धाड़ा था जारा ने उसे आज से पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था इसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी बंद करो ये रोना धोना जानती भी हो क्या हालत थी मेरी पागलों की तरह रेस्ट ड्राइविंग करता यहाँ तक पहुँचाऊँ कितनी दफ़ा गाड़ी लगने से बचे और तुम यहाँ मज़े से बैठी हो आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ आज बता ही दो तो इसका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था तुम हो मेरा मसला हमजा तुम और सिर्फ तुम जारा उसे धक्का देते बोली थी हमजा अपनी जगह सुन हुआ था मैं नहीं रहना चाहती वहाँ जहाँ तुम होते हो तो मैं देखती हूँ तो मुझे वहाँ वह सब याद आता है जो मैं याद नहीं रखना चाहती मुझे नाकदरी याद आती है मेरी मुझे मेरी तज्ल नहीं भूलती तुम आजाब बन गए हो मेरे लिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ सुना तुमने नहीं रहना मुझे जहाँ तुम हो जारा तकरीबन चीखते हुए सामने खड़े शख्स को सन्नाटों की ज़द में उतार गई थी उसका कहा एक एक लफ्ज़ हमज़ा के दिल पर तीर जैसे लगा था मगर वो जब्त करता बेंच पर जा बैठा था बैठो यहाँ आवाज़ में रॉब ऐप का भी कायम था जहरा अपने आंसू पहुँचती चुपचाप वहाँ बैठी थी मैं नहीं जानता तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो कि तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती वरना मैं यूँ पागलों की तरह तुम्हें मनाता नहीं बार बार तुम्हारे रास्ते में नहीं आता बल्कि खुद ही दूर हो जाता हमजा के लहजे में ऐसा कुछ था कि जारा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था खैर मुझे तुम्हें कुछ बताना है ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी वो बस अकेलापन चाहती थी मगर वहाँ बैठना उसकी मजबूरी थी वैसे हमजा उसे वहाँ से उठने नहीं देता मैं उस रात आया था तुम्हारे पास अपने दिल की बात कहने मगर उससे पहले मैंने और मम्मा और बाबा की बातें सुन ली मम्मा के मुताबिक वो तुम्हारी शादी आर्यन भाई से करने की ख्वाहिशमंद थी जारा ने बेयकनी से उसे, उसे देखा था चुपचाप वहाँ से उल्टे पाप वापस आ गया मेरी तो जैसी दुनिया लुट गई थी जिससे मैं प्यार करता था जिसकी मुझे आदत हो चुकी थी वो शख्स एक बार फिर मुझसे छिन गया था ममाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपनी मोहब्बत से दर्ज पर हो गया मैं नहीं चाहता था कि कल को वो सोचे कि उन्होंने एक लावारिस को छत दी और उसने उनकी ही बेटी पर नजर रखी वह तंजिया लहजे में बोला था जारा को अपने कंधों पर बोझ पड़ता महसूस हुआ जैसे उसने किसी ने उसके कंधों पर बड़े बड़े पत्थर लाद दिए हो और इनके बोझ के तले वो दबी जा रही हो बात यहीं ख़त्म नहीं हुई इस रात जो तुमने सुना वो सब मेरे ही अल्फाज थे मगर वो सब झूठ था मैं भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था और सच बताने की मुझमें हिम्मत नहीं थी तो मैंने उनको तसल्ली दी कि तुम मेरे लायक नहीं हो जबकि सच तो ये था कि हमज़ा मीर के लिए तुम से ज़्यादा और कोई लड़की बेहतर हो ही नहीं सकती हमजा ने थी पर जोर दिया था जारा का दिल मुट्ठी में आया मगर भाई को मेरी बात का यकीन नहीं था और फिर हम लाहौर चले गए वहाँ भाई के बार बार पूछने पर मैंने इन्हें सब बता दिया उन्होंने बाबा से बात की वो राज़ी थे इस सूरत में कि तुम भी राज़ी होती फिर मैं तुम्हारे पास वापस आता मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी मैं खो चुका था तुम्हें हम के चेहरे पर कब के सारे लहराए थे और कुछ दिन पहले भाई ने मम्मा को सब बता दिया था वो मेरे पास आई थी बहुत नाराज़ थी मुझसे एक बार बात तो करना था इनसे मगर वो रहा

अब की बार वो सन्नाटों की ज़द में थी इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था बस उसे देखी जा रही थी उसके कानों में आवाज़ गूंजी थी और उसका दिल करची करची हो गया खुश हो जाओ आज से तुम्हें तो मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मैं हमजा मेर अपनी इकरार से पीछे हटता हूँ नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत और जारा को लगा था इसे किसी ने मन्नों मिट्टी लड़े दबा दिया आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा

के गवाह है जो मेरी यादों में गुजरा था उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी कि ये उसका कमाल जब था या तोहन जो उसने आँख से एक आंसू भी नहीं गिरने दिया था मैं दुआ करूंगा तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिले और हो सके तो मुझे माफ कर देना मैं इंतजार कर रहा हूं कार में बहुत देर हो गई वो कहता हुआ वहां से गाड़ी की तरफ चल दिया था जिस शख्स का सारी ज़िंदगी से इंतज़ार किया था आज एक बार फिर वो उसे खूब बैठी थी मगर अब की बार किस इल्ज़ाम देती इस बार वो अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों पे रेजा रेजा कर गई थी हमजा की बातें इसके दिमाग में पत्थर जैसे बरस रही थी वो वहाँ से उठती पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगी थी हमजा भी गाड़ी लॉक करता उसके पीछे पीछे चलने लगा था इन दोनों की मंजिल तो एक थी मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए और इसके बाद इन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग होने वाले थे और कौन जानता था फिर कब मुलाकात होती हो भी गई कि नहीं ये सब खेल थे और एक खेल वो भी था जो किस्मत उनके साथ खेल चुकी थी अब आगे किस्मत इन्हें कौन सा रंग दिखाने वाली थी इससे वो बाबर वो दोनों घर पहुँचे थे काम हुआ हाँ काम हो गया मैंने उसे समझा दिया है अब उसे वही रहेगा और किसी को शक ना हो मैंने उसे फेक आईडी भी बनवा दी है सही है तो मैं निकलता हूँ कहाँ कराची के लिए वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला था तुम मिलोगे नहीं उससे और मुझे क्यों मिलना चाहिए उससे इंस्पेक्टर वकास रजा नहीं वैसे ही बोल रहा था कि सिक्योरिटी भी देख लोगे और मुंह बंद रखो वकास अपना और आर्यन बहुत तीखे लहजे में बोला वो दो दिन से उसी लहजे में उससे बात कर रहा था मैं जा रहा हूँ तुम जाओ मीटिंग का टाइम होने वाला है ध्यान रखना वकास ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए किसी भी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आर्यन उसे समझाता वहाँ से निकला था वकास के जहन में कुछ और ही बात चल रही थी वकास को घर आए दो मिनट ही गुजरे थे कि मलाई का आँख बगोला होती उसके सामने आई थी वकास उसे देखकर परेशान हुआ कहाँ से आ रहे हो तुम वकास मुस्कुराया था अभी से बीवी वो वाले सवाल करने शुरू कर दिए तुमने वो शायद किसी और ही धुन में था मलाइका उसे धक्का देती उसके सर पर गन रख गई थी वकास को इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे अब बताओ कहाँ थे तुम मैं ड्यूटी पर था मलाइका क्या हुआ ये सब मुझे कुछ बताओगी ये झूठ इंस्पेक्टर वकास रजा तुम ड्यूटी पर नहीं थे तुम सौदेबाजी करने गए थे तुम इस वतन के दुश्मन थे हाथ मिलाने गए थे मलाइका एकदम फट पड़ी थी तुम गद्दार हो समझे तुम तुम वकास रजा एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो क्या बकवास कर रही हो तुम बोलना क्या चाहती हो साफ साफ बोलो मैं क्या बोल गई हूँ बकास तुमने बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम बकास कैसे कैसे मलाइका उसके सीने पर मुख के बरसाती बोली थी बकास को शक हुआ था मलाइका बैठ कर हम बात करते हैं मेरी जान तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है दूर रहो मुझसे हाथ मत लगाना मुझे समझे वरना तुम्हारी यहाँ से लाश मिलेगी वो पीछे हटा था मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करनी वकास मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे पर यकीन किया हो क्या गया है तो मैं पागल हो गई हूँ जिस इकरार को सुनने के लिए इतने साल तीन साल इंतज़ार किया आज वो इसे सुनने का उसकी दिमागी की रगे तन गई थी आँखें सुरख हुई थी पागल नहीं वकास अब तो अकल आई हाँ है मुझे तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है वरना मैं तो बर्बाद हो चुकी थी अब तक तो तुम भी मेरा सौदा करके आए हो चनाक बकास का भारी भरकम हाथ मलाइका के चेहरे पर निशान छोड़ गया था बकास ने थप्पड़ की वजह से वो नीचे गिरी हुई थी बकवास बंद करो मैं सुन रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेज़ गैरत अब अगर एक लफ्ज़ भी निकाला मुँह से तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मलाइका ने तेजी से उठते गन उसके सीने पर रखी थी मुझे इस थप्पड़ का कोई अफसोस नहीं है वकास क्योंकि ये थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं मेरी रूह पर लगाएं इसने तुमने मेरी आंखें खोल दी तुमने सब बर्बाद कर दिया वकास सब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी वकास के दिल पर जरबे लगाए जा रही थी चलाओ गोली मलाइका मैं इसी काबिल हूँ उसकी आंखों में किसी तरह का खौफ नहीं था वो अगले ही लम्हे मलाइका ने गन की सारी गोलियाँ ज़मीन में उतारी थी गन वहीं फेंकते वो इसके फ्लैट से निकलती चली गई थी सारे रास्ते इसके आंसू नहीं रुके थे अपने मोबाइल की सिम निकालते इसे तोड़ के दूर फेंका था मोबाइल को भी दीवार पर दे मारा अपने तक आने के तमाम रास्ते बंद करती वो वहाँ से दूर जा चुकी थी आज पंद्रह दिन गुजर गए थे मगर वो वैसी खामोशी से दुनिया से बिगाना बिस्तर पर लेटी थी वो सब भूल गई थी इस एक शख्स के धोखे ने इसे ये भी भुला दिया कि इसके अलावा एक और शख्स भी है जो इससे सच्ची मोहब्बत करता है जो इसकी सांस में सांस लेता है जिसके लिए हयाम दुरानी तो वो भी है वो अपने बाबा को भूल गई थी डॉक्टर्स को इसके हालत में कोई सुधार नहीं नज़र आया था और अब उम्मीद छोड़ चुके थे मगर दुरानी साहब को यकीन था कि उनकी बेटी जरूर उठेगी और अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती अशर भी दिन में एक बार जरूर आता था और दुरानी साहब को दिलासा देकर लौट जाता वो बुजुर्ग अपना हाल सिर्फ अपने अल्लाह को सुनाता था उनसे मदद तलब करते वो जानते थे ये सब महज जरिया है असल माज़े करने वाली ज़ात तो इस खुदा पाक की है जो सुनता है सबकी सुनता है और एक दिन उनकी भी सुनेगा इन्हें भरोसा था खुद पर अपनी दुआओं पर वो जाए नमाजताई करते उठे थे सब कहते हैं मोहब्बत एक तोहफ़ा है न्यामत है जो इन्हीं दिलों पर बरसती है जो इस काबिल होते हैं जो खुद कदर करना जानते हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत संभाल के रखना आता है मगर मताल करो तो इस मोहब्बत से ज़्यादा शय मैंने आज तक नहीं देखी अगर किसी को बेमौत मौत मानना होना होता है तो इससे मोहब्बत कर लो और फिर इसे छोड़ दो फिर उस शख्स का तड़पना देखना सिसकना देखना उसको अजियत में पल पल घुटते देखना मगर यहाँ कौन पूछता है किसी को और मोहब्बत के

जो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता ये सिर्फ वही जानता है वो अपने अंदर की जंगे कैसे लड़ रहा है दिखावे की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है दिमा दिखावे की हंसी हंसना इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है इसीलिए बेहतर है जहाँ खुश है उसे वहीं खुश रहने दे अपने आप को खुद तक महदूद कर ले अपनी ज़ात को किसी पर जबरदस्ती थोपने से बेहतर है किनारा कर लिया जाए खुद को बर वक्त समेट ले यकीन जाने इस अजियत को सहना नज़रअंदाज होने से कई ज्यादा बेहतर है आज उसकी यूनि में डेपिट था जिसमें उसे लफ्ज़ पर बोलना था मोहब्बत लफ्ज़ पर और ज़ारा उसे बेहतर भला कौन आशना था उस लफ्ज़ से भी वो तड़पी थी उस शख्स के लिए की थी इसके एक को पाने के लिए मगर क्या हुआ किस्मत जीत गई उसकी मोहब्बत हार गई अब वो किसी से गिला नहीं करती थी अब वो किसी के साथ घुटनों घटो बैठ कर बातें नहीं करती थी वो शोक चंचल सी लड़की गई थी थी वो मर रही अंदर ही अंदर मगर अपना दुख अब किसी को नहीं सुनाती थी क्योंकि ये दुनिया सच्ची जज्बों की तोहिन करती है और जारा आवान मुल्क कैसे ये बर्दाश्त कर सकती थी वो रोती आज भी थी तब्दीली बस इतनी थी कि अब बंद कमरे की जगह सजदे मैंने ले ली थी वो अपने रब के हुजूर रोती थी और जब वो नमाज पढ़ती थी शुक्र गुजार होती थी तो बाबा जिस जिसने से ये राह दिखाई थी जो सुकून की तलाश में दर बदर भटकने लगी थी उसे राह रास पर लाई थी उसे खुद से मिलने का मौका मिला था एक बार फिर जारा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थी हॉल तालियों की आवाज़ों से गंज उड़ा था तमाम लोग उसके अल्फाजों की दाद दे रहे थे और वो इस कबूल करती आगे बढ़ रही थी वो खुश थी आज और ये खुशी दिखावे की नहीं वो पूरे दिल से खुश थी आज उसने सिर्फ स्पीच नहीं दी थी उसने अपना दिल खोला था नहीं मुझे माफ कर दे एक मौका दे मैं अब यह गलती नहीं करूँगा मगर उसने दूसरा मौका देना सीखा ही नहीं था देखते ही देखते अपनी गन की सारी गोलियाँ उसके में उतार दी थी ठिकाने लगा उसे वो गन फेंकता वहाँ से वॉकआउट कर गया था इन पंद्रह दिनों में आर्यन मुल्क ने खुद को बदल के रख दिया था वह सांस करने वाला सबसे प्यार से बात करने वाला दुखों को समझने वाला आर्यन कहीं खो गया था कोई और आर्यन मुल्क था जो आज भी सवरा हुआ था कुछ बदला था तो वो थी उसकी आंखें जिनमें अब हर वक्त सुर्खी रहती थी लाल डोरे उसकी रात भर जगने की चुगली खाती थी इसको किसी से गर्ज नहीं थी बहुत से ज़्यादा सफाक और ज़ालिम हो गया था जराइम की दुनिया में पहले ही उसके सामने होने से खौफ़ खाती थी अब सिर्फ नाम सुनने से थर थर कपने लगी थी उसकी बारो शख्सियत के सामने कोई नहीं टिक पाता था ज़्यादा देर यही वजह थी अपने इर्द गिर्द पेशा व जरामों की तमाम शाखों को काट फेंकता था मगर उसकी जड़ अभी भी मज़बूत थी और वो था अजमल खान वो बहुत जल्द वो इसका भी पत्ता साफ़ करने वाला था उसकी सारी ज़िंदगी में परेशानियां मजीद बढ़ गई थी मगर एक शह थी जो मुस्तबिल अपनी जगह कायम थी वो थी वो लड़की हयाम दुर्रानी उसके दुश्मन की बेटी जिसे लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने दिल से नहीं निकाल पाया था उसकी यादें थी जो झोंकों की तरह उसके दिल के दिमाग पर चिपक कर रह गई थी वो पंद्रह दिनों में चार बार लाहौर आया था मगर एक बार भी वो हॉस्पिटल नहीं गया था अन्ना को भी यह गवार नहीं था जो गलती वो अनजाने में कर बैठा था इसे अब वो दोहराना नहीं चाहता था अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद बचा था वो था अजमल खान जिसे वो वह नाक मौत देना चाहता था वो इसको अपने मकसद में कामयाब होने से रोक नहीं सकता था सिवाय इस के वो भागते हुए हॉल में पहुंची थी मगर आज भी समीरा बेगम और फैसल को उदास चेहरा लेते आते देखकर उस मायूस हुई थी वो बिना कुछ बोले दादी की गोद में सर रख गई दादू तोबा ने उन्हें रोते हुए पुकारा था जी दादू की जान वो आपकी बात मानते ही इन्हें बोले ना वापस आ जाए मुझे इनकी बहुत याद आती है याद तो मुझे भी आती है अपने बच्चे की मगर क्या करूँ वो नहीं आना चाहता वो भी रोने लगी मगर आप दोनों रोइए तो नहीं हम उसे मना लेंगे फैसल ने उन्हें दिलासा दिया अवन साहब से अपनी बेटी और माँ का रोना बर्दाश्त ना हुआ वो वहाँ से उठते बाहर चले गए थे समीरा बेगम भी आंसू पहुँचते उनके पीछे गई थी हमजा को वो घर छोड़े पंद्रह दिन गुजर गए थे इन सब की लाख मन्नतों के बावजूद भी वह वाप वापस नहीं आया था उस रात जब हमजा जारा को घर वापस लाया था उसे वहाँ छोड़ते हमजा सामान पैक किए फार्म हाउस पर रहने चला गया था आर्यन और बाकी सब परेशान हो गए थे मोबाइल ऑफ कर दिया था किसी को मालूम नहीं था वो कहाँ है जारा से बार बार पूछने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलती थी समीरा बेगम की जान सूली पर लटकी थी एक तरफ जान से अजीज़ बेटी थी और दूसरी तरफ उनके जिगर का गोशा था आखिर थक हार कर उन्होंने रोते हुए जारा के सामने हाथ जोड़े थे जारा से इनके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे और वह बच्चों की तरह ऊँची आवाज़ में रोती समीरा बेगम के गले लगी थी आखिर तीन दिन बाद उसे खामोशी तोड़ी थी मगर वो खामोशी इतनी भयानक टूटेगी किसी को मालूम नहीं था वो रात जारा को मुकम्मल खामोश कर गई थी उसकी ज़रा जरा बिखर गई थी वो सारी रात और दिन जागती बस मरई नुकते को तकती रही वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी दवाइयों की मदद से इसे सुलाया जाता था मगर आज इसका जब्त का प्याला टूटा था वो इतनी शिद्दत से रोई थी कि उसके बाबा जान उसे चुप कराते रो पड़े थे मैंने उसे खो दिया उसने एक और जुमला बोला था और वहाँ मौजूद तमाम अफराद इस रात की कहानी समझ गए थे आर्यन को इसकी हालत पर तरस आया मगर अब इसके लिए हमजा को ढूंढना और भी ज़रूरी हो गया था अगर जारा की हालत ये थी तो वो किस हाल में होगा ये सोच कर ही आर्यन की जान जा रही थी सो आपको नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा सपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़